ठीक है चलो भाई, देखो आपसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मैं पूछूंगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे भाई, अगला जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इफ वी नो दैट, इफ वी नो दैट एम इज एरो डाटा एंड एम इज ए कॉलम डाटा, कल का ही मैटर है, कॉलम डाटा, वी कंसेप्ट ऑफ आई इज लेस देन जे, कम्युनिकेशन मस्ट बी, कम्युनिकेशन मस्ट बी अप्लाइड। क्या हो जाएगा आपका? अगर आप मस्ट बी अप्लाइड कर देते हैं तो आप देखेंगे ये आपका मस्ट बी जब अप्लाइड आप कराते हैं तो ये आपका क्या बनता है। अगर आप इसे अप्लाइड करा देंगे तो ए आई जे तो बनता ही था, ए टोटल एम इंटू एन पर बन जाएगा, पूरी कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर मैं इसके डाइवर्जेंट की बात कर दूं, आप ये बोलोगे कि ये आपका कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। अगर भाई देखिए, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट सीरीज जो होती है आपकी मैट्रिक्स की, अगर आप पकड़ने वाले के बंदे हैं, अगर आपको पकड़ने का उतना बड़ा अति उत्तम ज्ञान है, तो आप काफ़ी सारे टेक्निकल से क्या कर सकते हो, इसको कैच भी कर सकते हो, पकड़ भी सकते हो विदाउट किसी नोटेशन के साथ में। और आपको चीज़ देखने को मिलता भी है कि अगर कन्वर्जेंट अगर मैं बात करूं तो टोटल जो वैल्यू इसमें जो आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ए आई आपका क्या होता है, छोटा होता है किससे, जे से। आई जो आपका होता है वो छोटा होता है किससे होता है, जे से छोटा होता है। तो अगर भाई आपको इतना पता है कि आई छोटा होता है जे से, ता बहुत उम्मीद और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी क्या करते हो, क्वेश्चन को धोखा दे बैठते हो, क्वेश्चन आप पर ट्रेबल आउट करने लगता है, क्योंकि क्वेश्चन ट्रबल आउट करने लगता है तो आप क्या करने लगते हो, हिम्मत हारने लगते हो। जब आप हिम्मत हारते हो तो क्वेश्चन आपको क्या करता है, पूरी तरीके से फ्लॉपी डिस्क बना देता है विदाउट किसी डर के साथ में। हाँ, अगर ये सब चीज़ अगर आपको देखने को मिलता है मेरे भाई, तो आप क्या बोलेंगे, जो लोअर जो ट्रेंगुलर है आपका आई से क्या होता है, आपका जो छोटा होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और जिसका डायगोनल्स होता है ना भाई, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसका जो डायगोनल्स होता है हमेशा क्या, बताओ कि क्या होता है आपका, जीरो होता है। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं बाय चांस, फॉर एग्जांपल के अगर ले लूं, आप ये बोलोगे कि इसमें ए आई जे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये पहली आपकी कंसेप्ट है। तो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल ले लूं, तो फॉर एग्जांपल में आप क्या बोल सकते हो, ठीक है फॉर एग्जांपल है, तो आप ये बोलोगे जरूर कि अगर आपके पास ए आपका 1 1 है, ए आपका 1 2 है, ए आपका 3 1 है, 2 1 इस तरीके से, ये आपका 3 1 है, ये आपका 4 1 है। अगर ऐसे अगर डिस्कसिंग अगर बना लेता है तो इसकी जो ट्रेंगुलर जो फार्म होती है मेरे भाई, ए आपका 8 2 2, A 3 2, A 4 2 ऐसे बनाएगा, और आपकी जो साइड बाय साइड है वो चेंज करता रहेगा। तो आप ये बोलोगे ना कि हाँ भाई, अगर 32 अगर यहाँ बनाया तो डबल पड़ गया, तो ये 3 3 बना लेगा, ये 4 4। तो अगर ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो आपकी वैल्यू जो होगी, या ए ए ए ए टोटल तो ए एम इंटू एन के ऊपर तो बिलोंग करेगी, तो आप ये बोल सकते हो ना कि आई आपका क्या होगा, छोटा होगा किससे, जे से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसको समझना कि आप इसे कैसे समझोगे, इसके बारे में आप कैसे क्लियर कंसेप्ट करोगे। एक बार मैं आपको फिर समझा दूँ इसी बात पे, आप बड़े उम्मीद के साथ देख पा रहे हैं, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। अगर मेरे भाई आप ये बोल सकते हो कि अगर ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आप ये बोलोगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, मैं बताऊंगा। इफ वी नो दैट, इफ वी नो दैट, बहुत उम्मीद बहुत क्वेश्चन सा समझेगा, लेक्चर बहुत बड़ा है, ठीक है। इफ वी नो दैट एम इज एरो डाटा एंड एम इज ए कॉलम डाटा, वी कंसेप्ट ऑफ आई जे, कम्युनिकेशन मस्ट बी अप्लाइड ए आई जे एम इन टू एन डाइवर्जेंट।
तो कन्वर्जेंट आई आपका क्या होगा, छोटा होगा किससे, जैसे ए आपका डायगोनल जीरो हो जाएगा। तो अगर ए आई जे अगर कोई अगर आपकी वैल्यू अगर देखने को मिलता है तो आप इस तरीके क्वेश्चन क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो, क्वेश्चन को समझ भी सकते हो। अब एक बात आपको और क्लियर कंसेप्ट मैं करा दूं, अगर आपके पास बहुत बड़ी चीज नहीं है समझने की, पावर नहीं है, क्षमता नहीं, कैपेसिटी नहीं है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपकी जो डायगोनल्स होती है, आपकी टोटल किसी होती है, टोटल जो वैल्यू होती है अभी जीरो होती है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप लगाने में सक्षम भी हैं, क्वेश्चन को लगाते भी हैं। तो हम विदाउट किसी समय के इन्वेस्ट किए मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास वैसे भी टाइम की कमी है थोड़ी, किसी कारणवश मैं सैड हूँ और मैं आपको शेयर भी नहीं कर सकता हूँ किस कारण मैं सैड हूँ, ठीक है। तो सैडता मेरी क्या है, मैथमेटिक्स है, मजबूरी मैथमेटिक्स है मेरी, मैथ मेरी दुनिया है, मैथ मेरी ताकत, इसके साथ मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। आई हैव नो रिपीटेड अबाउट माई लैंग्वेज यू कैन नो अबाउट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज क्या है, ओवर है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। अगर जितने भी कंज्यूम्ड वैल्यू आर नॉट सक्सेसफुली वेरी वेरी माइंड आई हैव कंफ्यूज्ड फॉर एग्जांपल्स ऑफ यू दैट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, अगर आपको मैथमेटिक्स प्रॉब्लम अगर देखना है तो कंज्यूम्ड वैल्यू आर नॉट डिस्कवर्ड बाई इन दिस वैल्यू डिपेंड्स बाई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आर डिपेंड बाई डिटर्मिनेंट। बहुत सारे इंग्लिश लेवल है जो आपको क्या कर सकता है, इसको यहाँ तक पहुँचा भी सकता है और आपको बता भी सकता है। तो बहुत सारे मेथड है जो आप सीखोगे और सीखने के बावजूद क्या करोगे, इस मैथमेटिक्स पर अलाउ भी करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ है कि अगर आप क्लियर कंसेप्ट कर पाते हो, अभी कुछ लोग क्या करते हैं बहुत फंसी उड़ाते हैं कि ऐसा वैसा, ठीक है। ऐसा वैसा करने वाले के लिए मैट्रिक डिटर्मिनेंट नहीं है और ये कोई खेल नहीं है कि आप कोई प्लेइंग कर रहे हो, ठीक है। सैटरडे मेरे अंदर बस इतना ही है, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है। कुछ लोग क्वेश्चन उठा के पूछ देते हैं कि आपकी जीएफ बीएफ क्या है, तो भाई देखो बॉयफ्रेंड भी मेरा क्या है मैथमेटिक्स है, गर्लफ्रेंड भी मेरी मैथमेटिक्स है, सब कुछ आल टू ऑल। और आजकल के बच्चे क्या है मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं जानते, केवल बॉयफ्रेंड जीएफ के चक्कर में ही बर्बाद हो जाते हैं ऐसे सारे क्वेश्चन से। मैं दुख भरा बट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बीत चुका है, ठीक है। इस तरीके से मैं बात आपको बता रहा हूँ। अब आप ये कहोगे वीडियो में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात चल रही है, फिर बॉयफ्रेंड की बात चल रही है, मैथमेटिक्स पॉइंट बात चल रही है। अगर मैं किसी को ज्ञान देता हूँ तो ज्ञान को सब लोग मिथ्या मानते हैं, झूठा मानते हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे, मन में पछतावा बस रख सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, गारंटी मेरा है पूरा प्रॉमिस भी, ठीक है। तो आप लोगों के रेचे अगर देखने को मिलता है तो आप लोग देखिए और क्वेश्चन को समझिए। मैथ सी दुनिया है, मैथ से जुड़ोगे आगे सक्सेस रहोगे, क्योंकि मैथ इज ऑल बैकग्राउंड सक्सेसफुल पूरा टोटल है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन चेंजिंग है, देख लेता हूँ, गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाई अगर आपके सामने बहुत स्पेसिफिक ढंग से अगर मैं लेक्चर लेके आऊँ तो आप ये बोल सकते हो कि वैल्यू जो आपका है फिक्सेबल है। चलिए चलता हूँ, अगला जो आपकी मैट्रिक्स आएगी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आएगी, इक्वालिटी आप क्या आएगी मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आएगी, बहुत शानदार चैप्टर है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भाई, इक्वालिटी का मतलब साफ होता है कि अगर आपके पास इफ यू टू एलिमेंट कंसेप्ट बाय ए आई जी एंड बी आई जी फॉर्म आर कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एंड डिनोमिनेटर्स फिल्स अकॉर्डिंगली मैथ्स फॉर्मेट बाय लुकिंग फॉर्म। कैन बी डिटरमाइंड अपलोडेड वैल्यू डिमांडेड बाय आई जे ग्रुप कंसेप्ट बाई
मैथमेटिक्स ऑप्शनल वैल्यू मॉडिफाइड इन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, आई जे आई जे कैंसिल, एच इक्वल टू बी। समझिएगा, बड़ा ही शानदार चैप्टर है आपका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। भाई अगर आपके सामने काफ़ी सारे हमारे बंदे, काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसको आप समझाइए किस तरीके से इसे कंप्लीट करना है, तो मैं उनके लिए विशेष बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास क्या है, देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है इफ़ यू टू एलिमेंट, मैं ज़्यादा एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा छोटा एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोग क्या कर सकें, पूरी तरीके से क्वेश्चन को क्लियर कंसेप्ट कर पाएँ और क्वेश्चन को समझ पाएँ। ऐसे ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को देखना पड़ता है, क्वेश्चन को बताना भी पड़ता है कि क्वेश्चन कैसे आपको कंप्लीट करने हैं। हमारे कुछ सज्जन महापुरुष हैं, नाम तो मैं नहीं ले सकता, नाम लेना तो इसे मेरे लिए पाप भरा वर्ड है, सज्जन महापुरुष हैं जो कि क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को अपना हथियार बना लेते हैं। दिस इज ए माई गन ओवर दिस इज ए कंसेप्ट बाय शूटिंग। तो शूटिंग करो ना यार, जब तुम हथियार बनाए हो तो शूटिंग करो। मैं बोलना थोड़ी नहीं चाहता हूँ तुम्हें किस तरीके से तुम करोगे, तुम सोचोगे यार मेरे टूटने से, किसी को बिछोड़ने से अगर मेरे मैथमेटिक्स पर कमजोरी आ जाए, तो तेरा भूल है भाई, भूल है तुम्हारा, एकदम पूरी तरीके से भूल है। अगर तुम मैथमेटिक्स को अपना हथियार बना ले, चाय को अपना तो दोस्त, तो कुछ नहीं बना सकता तू अपने लाइफ में, ठीक है। लोग हमें ही धोखा देते हैं, कहते हैं तू क्या करेगा, तू तो ऐसे वीडियो बनाते बनाते जीवन तेरी बीत जाएगी। मैं कहता हूँ मैं गीत गाऊँ चाहे कुछ भी करूँ, चाहे रामायण का चाहे वंशीकरण करूँ, फिर भी मेरी दुनिया तो मैथ है, ठीक है। अब मैं चाहे पूरी उम्र प्रयास करूँ, मुझे कोई कम का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस दैट नाइट, जैसे लाइट है ना जल रही है, जब तक चार्जिंग है तब तक जल रही है, जब तक मेरे पास रहेगा ताकत तब तक मैं चलूंगा, नहीं है जय श्री राम, ठीक है। ये भी बंद तो मैं भी बंद, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं मेरे पास, ठीक है। आप खुद समझदार हो और हमसे कई गुना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ यू टू एलिमेंट्स कंसेप्ट बाई ए आई जी एंड बी आई जी फॉर्म आर कार्ड, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेटर्स स्पेस अकॉर्डिंगली मैथ्स फॉर्मेट वैल्यू इन फॉर्म कैन डिटरमाइन अपलोडेड डिमांडेड जो वैल्यू था, डिमांडेड वैल्यू उसकी होती है। आपसे पूछेगा आई जे ब्लू कंसेप्ट बाई मैथमेटिक्स ऑप्शनल वैल्यू मॉडिफाइड एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ए आई जी इक्वल टू बी आई जी, तो आपको आई जे तो इससे मैच कर रहा है, एच इक्वल टू बी आ गया। कुछ लोग कहते हैं, लोग क्वेश्चन क्या करते हैं मैथमेटिक्स में अपना जलवा दिखा रहे हैं, मैं जलवा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो लोग क्या करते हैं, जो अपनी बेसिक को समझते हैं। क्या करते हैं, बेसिक को समझते हैं किसी कैसे क्लियर कंसेप्ट करना है। अब बेसिक अगर तुम समझते हो तो भाई, तो बेसिक को समझने के लिए आपके पास फंडा होना जरूरी है। जब तुम्हारे पास कोई फंडा नहीं रहेगा, तुम बेसिक समझ के कर ही क्या सकते हो। हाँ, ए मैट्रिक्स क्या कुछ रिटर्न मारने तो मुझसे में फेलियर होने लगे, मुझे सर ये नहीं आता, वो नहीं आता, जो सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई। आपकी मर्जी, आप जैसा कहो वैसा मैं करूँगा। आपने कहा था मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर मैथ में अगर कोई दिक्कत हो तो आपको बताना। कुछ लोग उंगली उठाना जानते हैं लेकिन उसका आंसर देना नहीं जानते। मैं वो बड़ा गेम हूँ ना, बैंड बजा देता हूँ बड़े बड़े लोगों का, ठीक है। तो मैं अपनी काबिलियत, अपनी एहसास को हम दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी क्या हूँ, थर्ड क्वालिटी हूँ, ठीक है। थर्ड क्वालिटी मतलब मैथमेटिक्स से बेस्ट क्वालिटी, आई एम थर्ड क्वालिटी। सेकंड क्वालिटी कौन है, भगवान जानता है ऊपर वाला, ठीक है। समझने वाली बहुत बड़ी चीज़ है, समझिए इस बात के लिए कि मैथ को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तब धोखे मत लाइए, ठीक है। आई एम वेरी चीटर पर्सन, मैं बहुत धोखेबाज पर्सन हूँ मैथ में। तो एक क्वेश्चन लगाएगा, मैं दो क्वेश्चन तुझे पछाड़ दूंगा, ठीक है, गारंटी मेरा है। तो आप लोग मेरे वीडियो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का पूरा भी शेयर करेंगे, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो भी चलता है, मैं पहले ही बोला था, वीडियो एक हो चाहे हजार, मुझे लाइक कमेंट की बात नहीं है, ठीक है। मेरे वीडियो को 2-4% ही देख ले, मैं अपने आप को बहुत बड़ा लकी समझता हूँ, ठीक है। वैसे भी थर्ड क्वालिटी के लिए तो मैं समझ नहीं आएगा मेरा उनको, जो छोटे मोटे
मैन से बिलोंग करते हैं, 9, 10, 11, 12 ऐसे लोगों के लिए हवा है, ठीक है, दिस इज एयर। पीछे टी वाले देख सकते हैं, जे आर भाई वाले देख सकते हैं, लेकिन सबकी बात की बात नहीं, मैथमेटिक्स को अपना होगा कंसेप्ट करना, ठीक है। आप लोग विदाउट कंसेप्ट की आप लोग मैथमेटिक्स को देखिए, मैथ को समझेंगे तो मैथ के बारे में आपको पता होगा कि मैथ आपकी क्या चीज़ है, ठीक है। लाइव स्ट्रीम आना या स्ट्रीम तरीके से आना, किसी तरीके से बाहर आना है, मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है और ना तो मेरे अंदर एक क्वालिटी कभी ज़िंदगी में आएगी। उम्मीद है कि कुछ करने की कुछ ठाना हूँ तो कुछ करके मैं दिखलाऊँगा। ये सब चीज़ क्या है, भौकालगिरी है कि हाँ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं, मेरा लेक्चर नहीं उनके लिए है जो लोग मैथमेटिक्स को अपना बहुत बड़ा हथियार समझते हैं। अरे यार तुम मैथमेटिक्स का हथियार समझते हो, अपने को हथियार लाओ तब मैं जानूँ कि क्या गेम। चलिए मैं चलता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, ठीक है। बाय बाय।